मैं हूँ फियाज और आपका फिर से वेलकम है आपका ही चैनल एफके नॉलेज हिंदी में। तो दोस्तों, हर रोज की तरह आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत से इम्पोर्टेंट वर्ड के शॉर्ट फॉर्म के फुल फॉर्म। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, पहले नंबर पर आता है DNC। तो दोस्तों, DNC आपने बहुत जगह लिखा देखा होगा, मगर आपको क्या इनके फुल फॉर्म मालूम है? तो चलिए मैं आपको इनके फुल फॉर्म बताता हूँ। DNC का मतलब होता है डेनोटिफाइड कम्युनिटीज़। तो दोस्तों, आपको इनके फुल फॉर्म पता हो गए होंगे। तो नेक्स्ट है दोस्तों VJ। तो VJ का फुल फॉर्म क्या होता है? VJ का फुल फॉर्म होता है विमुक्ता जति। नेक्स्ट है AC। तो दोस्तों, आपने AC बहुत जगह सुना होगा और बहुत बार ही सुना होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि AC के माने क्या होते हैं। तो दोस्तों, AC के माने होते हैं शेड्यूल क्लास। नेक्स्ट आता है दोस्तों ST। जैसे कि मैंने आपको ST बताया, इसी तरह एक है ST। तो दोस्तों, ST का भी नाम आपने बहुत सुना होगा, ST आपने बहुत जगह लिखा देखा होगा, लेकिन आपको शायद इनके फुल फॉर्म नहीं मालूम है। तो दोस्तों, मैं इनके फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। ST का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब। नेक्स्ट है दोस्तों, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड के फुल फॉर्म है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आप इंटरव्यू देने अगर कहीं पर भी जाते हैं तो आपको इस तरीका के वर्ड पूछे जाते हैं, और अगर आप नहीं बता सकते हैं तो आपको बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो दोस्तों, ओबीसी का मतलब क्या होता है? तो ओबीसी का मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लास। नेक्स्ट है एसबीसी। SBC का मतलब क्या होता है? तो SBC का मतलब होता है स्पेशल बैकवर्ड क्लास। नेक्स्ट है OC। OC का मतलब होता है ओपन कैटेगरी। नेक्स्ट है BC। BC का मतलब होता है बैकवर्ड क्लास। तो दोस्तों, आपको मैंने बहुत से वर्ड के फुल फॉर्म बताया हूँ, और आगे जानने के लिए हमारे चैनल को लगातार देखते रहें। तो दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो दोस्तों, नेक्स्ट है EBC, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। नेक्स्ट है AC, शेड्यूल क्लास। तो दोस्तों, आपने शेड्यूल क्लास का तो नाम सुना ही होगा, जैसे कि बोला जाता है कि आप शेड्यूल क्लास है कि नहीं। तो AC का मतलब होता है शेड्यूल क्लास। नेक्स्ट है NT। तो दोस्तों, NT का मतलब होता है नोमैडिक ट्राइब। नेक्स्ट है दोस्तों PWD। तो दोस्तों, PWD आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि PWD आपने बहुत जगह सुना होगा, और आप सुनते भी होंगे कि यहाँ पे PWD का काम हो रहा है। जैसे कि बहुत से रोड पर आपको लिख जाएगा दिस रोड इज मेंटेन बाय PWD। तो दोस्तों, हाँ, ये वही PWD है। PWD का मतलब क्या होता है? तो PWD का मतलब होता है पर्सन विथ डिसेबिलिटी। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है, और दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे।